हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास कुछ है, आप देख सकते हैं, लेडी बल्ब आए हुए हैं जो कि हमें एक टेंट वाला दे गया है। ये सारे लेडी बल्ब हमारे ख़राब बता रहा है, इन्हें हम सारे लेडी बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे हमारे कितने बल्ब रिपेयर होते हैं। आप देख सकते हैं, ये कुछ हमारे डीओबी वाले हैं जो हो सकेगा इसमें रिपेयर होने वाले होंगे तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो हम इसका डीओबी चेंज कर देंगे। कुछ हमारे ड्राइवर वाले हैं, आप देख सकते हैं, ये हमारा डीओबी वाला है। हम आपको आज वीडियो में ड्राइवर वाले रिपेयर करके दिखाएंगे। हमारे वीडियो अंत तक देखें। आप लोग वीडियो छोड़ छोड़ के देखते हैं फिर कहते हैं समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं, हमने एक डीओबी वाला बल्ब ले लिया है जो कि इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये बल्ब काला है। यहाँ पे इस बल्ब को हम शॉर्ट करके फिर देखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे काला हो रखा है। इस बल्ब को यहाँ से हम हटाने से पहले आपको हम एक से शॉर्ट करके फिर देखेंगे हमारा इसके बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे हम इस होल्डर में लगा लेंगे फिर इसमें हम सप्लाई देंगे। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सप्लाई दे दी है लेकिन ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। देख सकते हैं, बहुत हल्का हल्का जल रहा है। इसके बाद में हम इसे इस तरीके से रख लेंगे, एक बार का टुकड़ा लेंगे। इस तरीके का आप बार का टुकड़ा ले सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें सप्लाई चेक करेंगे, मेरी बन रही है या नहीं। इसके बाद में हम इसके सप्लाई को चेक करेंगे। इसे आप आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हैं, हमारे सप्लाई बन रही है। इसके मतलब यह है कि हमारा कोई ना कोई बल्ब शॉर्ट है। इसको हम शॉर्टिंग को निकालेंगे। इस तरीके से आप एक एक बल्ब को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये बल्ब शॉर्ट है। ये सेम से लगाते हैं, हमारा फुल रोशनी हो जा रही है। सिर्फ एक बल्ब की होने की वजह से दिक्कत, ये हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद में हम इस बल्ब को यहाँ से हटा देंगे। इसे धारदार कैंची की मदद से आप हटा सकते हैं। ये हमने यहाँ से इस बल्ब को फोड़ दिया है। अगर आपको इस तरीके का बल्ब मिल जाए तो आपको बल्ब ही यूज करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लगानी होगी। इस तरीके से इसे आपको हटा देंगे, इसे साफ कर देंगे यहाँ से। साफ करने के बाद में इसमें सोल्डिंग कर देंगे। इसको आपस में आपको शॉर्ट नहीं करना है, इसको आपस में शॉर्ट कर देंगे तो हमारा जल्दी फिर ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं, मैंने ये आप मीटर की तरफ देख सकते हैं, 220 ओम की रेजिस्टेंस ले ली है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का डिब्बा आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। इसमें सारी रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगी, 1E, 2.2E, 4.47E, इस तरीके के 200E, 300, 400, 70, 500 सारी रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाएंगी आपको। इसको ऑनलाइन आपको परचेज कर लेना है। निकाल लेंगे क्योंकि हमारी 200 ओम की है। इसके बाद में हम इसमें लगा देंगे। इस तरीके से इसमें सोल्डिंग कर देंगे।
आप देख सकते हैं मैंने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया है। लगाने के बाद में हम इसे ऑन करके देखेंगे। देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है, ये हमारा बल्ब पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है। इसके बाद में हम इसे इस तरीके से माउंट कर देंगे। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर के साथ इसी तरीके से हम इन सारे बल्ब को रिपेयर कर लेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और बल्ब की रिपेयरिंग वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।